प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या प्रकरण एक अत्यंत दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लोक हित में काम कर रही है। इस प्रकरण की तुरंत जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी गठन का शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। हेड कांस्टेबल का आत्महत्या प्रकरण का एक अत्यंत दुखद घटना है। परमपिता से प्रार्थना है कि वे दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा की आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की क्षति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ लोकहित में कार्य कर रही है। हमारे सभी विधायकों के साथ साथ बैरवा समाज के माननीय श्री विधायक लालाराम जी बैरवा, श्री रामोतार जी बैरवा चाकसू, श्री राधेश्याम जी बैरवा बारा और श्री विक्रम बंसीवाल जी सिकराय से एवं पुलिस आयुक्त जयपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ दिवंगत के परिजनों के साथ इस प्रकरण में राज्य सरकार के निर्णय लिए हैं कि श्री दिनेश एमएन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत श्री बाबूलाल बैरवा को पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज ही प्रारंभ करके एक माह में पूर्ण कर ली जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा परिलाभ के लगभग 55 लाख रुपए बनते हैं एवं पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोटवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को जयपुर में संविदा पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री साक्षी गोठवाल, जिनकी उम्र अभी 23 वर्ष है, को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा तथा इसकी शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी पुलिस विभाग के द्वारा वहन की जाएगी। परिवार द्वारा पार्थिव शरीर का पंचनामा, पोस्टमार्टम एवं दाह संस्कार की कार्रवाई आज ही पूर्ण कर ली जाएगी। श्री अनिल शर्मा एवं श्री जगदीश व्यास आरपीएस को एपीओ किया जाएगा। श्री आशुतोष सिंह को उपनिरीक्षक को निलंबित किया जाएगा और निश्चित रूप से जो भी अधिकारी अगर बाबूलाल बैरवा के जो मृत्यु का कारण रहे हैं और अपराधी हैं, निश्चित रूप से कहीं भी उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिनका नाम है अगर वो कहीं भी अपराध में शामिल नहीं है तो उनको दोषी नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से एक पारदर्शी तरीका से सरकार और हमारे पुलिस अधिकारी जो भी है काम करेंगे। निश्चित रूप से बिल्कुल उनको न्याय दिलाने का काम। देखिए एफआईआर में उनका और उनके नोट में जो सुसाइड नोट है उसमें उनका नाम लिख के गया, तो इसलिए ये पहले उनको एपीओ और निलंबित किया गया है। निश्चित रूप से अब जो एसआईटी का गठन हुआ है इसमें निश्चित रूप से जांच करके जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन बैरवा साहब, इस काम में 6 दिन का समय क्यों लग गया? यदि पुलिस के कर्मियों के खिलाफ आपको एक्शन नहीं लेना था तो पहले दिन भी ले सकते थे, 6 दिन धरना नहीं चलता। देखिए निश्चित रूप से सारा प्रयास सरकार के अधिकारी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी मैं कई बार मिला और उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन परिजन थोड़ी स्थिति उनकी इस तरह की थी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि इतना दुख उनको था। समय लगा लेकिन सभी की इच्छा, सभी समाज की और सभी लोगों की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इस बॉडी को हम सुपुर्द करें और इसका पोस्टमार्टम करा के और इनको हम जल्दी से जल्दी निपटारा करें, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा समय लगा। परिवार लोगों को बड़ा दुख था इसलिए लगा, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल परिवार को साथ लेके परिवार ने जो मांगे रखी थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किया। सीबीआई जांच के लिए भी लिखा गया है चिट्ठी पीएसपी की तरफ से। निश्चित रूप से, लेकिन परिवार ने एसआईटी गठन का किया है और उनकी जो मांगे हैं उन मांगों के अनुसार ही राज्य सरकार ने और पुलिस अधिकारियों ने काम किया। जो चिट्ठी लिखी गई उसका क्या होगा? देखिए उन्होंने दोनों ही मांग रखी थी परिवारजनों ने, सीबीआई की और एसआईटी का गठन की, लेकिन
आज उन्होंने जब वार्ता हुई तो वार्ता में उन्होंने SIT की मांग रखी। लेकिन जो शव लेके प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या उस पर भी कोई मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि कानून ऐसा है कि अगर देखिए वो हमारी समाज के लिए एक अत्यंत दुखदायी घटना थी। निश्चित रूप से सब लोग उसको परिवार को न्याय दिलाने के लिए, परिवार के पीछे जो सदस्य है उनके लिए सब लोग प्रयास कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार ने बिल्कुल संवेदनशीलता से मांग को स्वीकार किया, इसलिए अब वो धरना समाप्त कर लेंगे। सर एक बार दोबारा बता दीजिए क्या-क्या। मैंने बताया कि SIT का गठन करके उसकी जांच करवाई जाएगी और बाबूलाल बैरवा के पुलिस विभाग की तरफ से स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के सेवा प्रलाभ के 55 लाख करीब बनते हैं उनकी, और पेंशन आदि की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा के पुत्र तनुज गोठवाल को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री को संविदा पर शीघ्र प्रदान नियुक्ति प्रदान की जाएगी। दिवंगत श्री बैरवा की पुत्री एक साक्षी गोठवाल और है, उनकी पुत्री जिसकी उम्र 23 साल है, उसको पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा और उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक की वो पूरा खर्चा पुलिस द्वारा वहन किया जाएगा। APO निलंबन किसका? APO हमारे श्री अनिल शर्मा जी जो वहाँ पे डिप्टी है और श्री जगदीश व्यास जी RPS अधिकारी दोनों ही, इनको APO किया गया और एक आशुतोष जी सिंह जी उप निरीक्षक है उनको निलंबित किया गया। पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे? अब ये पासवर्ड नहीं दे रहे थे मोबाइल का उनका, अब ये देंगे क्या? देखिए ये SIT का गठन किया, SIT का गठन किया गया, सारे ही एक अच्छा अधिकारी है जिन पे इस परिवार ने और समाज ने भरोसा किया है। दिनेश हेमंत साहब को निश्चित रूप से उन पे भरोसा है और वो एक अच्छी जाँच करेंगे और उनकी जो सेवा काल रहा है निश्चित रूप से अच्छा रहा है, इसलिए उनके द्वारा जांच में सारी चीजें सामने आई। वहीं इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी अनिल शर्मा और जगदीश व्यास को APO किया गया है। इसके साथ ही उप निरीक्षक आशुतोष सिंह को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि मृतक के परिवार ने पार्थिव शरीर का पंचनामा, पोस्टमार्टम और दाह संस्कार किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है और जिसके चलते अंतिम संस्कार भी किया गया।